साध्वी से बलात्कार के मामले में राम रहीम जेल की हवा खा रहे हैं। पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत ने राम रहीम को दोषी करार दिया है। राम रहीम को सजा क्या होगी, इसका ऐलान कोर्ट 28 अगस्त को करेगी। कानून के जानकारों का कहना है कि इस केस में राम रहीम को कम से कम 7 से 10 साल की सजा होगी। ऐसे में अब ये सवाल भी उठने लगा कि राम रहीम का वारिस कौन होगा, डेरा सच्चा सौदा की कमान अब कौन संभालेगा। इस रिपोर्ट में हम आपको बता रहे हैं कि राम रहीम का वारिस कौन होगा। लोगों का कहना है कि राम रहीम को जेल में होने के बाद डेरा सच्चा सौदा की कमान उनके बेटे जसमीत सिंह इंसा संभाल सकते हैं। बताया जाता है कि गुरमीत ने 2007 में जसमीत इंसा को अपना उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा की थी, जब सीबीआई ने गुरमीत के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। लेकिन ऐसा होना आसान नहीं है, क्योंकि डेरा के नियम के मुताबिक डेरा का अगला चीफ मौजूदा प्रमुख के परिवार या खानदान से नहीं हो सकता। अगर जसमीत डेरा प्रमुख नहीं संभालेगा तो अगला डेरा प्रमुख कौन बनेगा। ऐसे में सबकी निगाहें 35 साल की गुरु ब्रह्मचारी विपसेना पर टिकी हुई हैं। विपसेना डेरा में दूसरे स्थान पर मानी जाती है। राम रहीम के बाद विपसेना ही है जिनके पास अपनी ओर से चीजों पर फैसला करने का अधिकार है। विपसेना के अलावा एक और नाम की चर्चा है और वो नाम है राम रहीम की करीबी 35 साल की हनीप्रीत की। हनीप्रीत भी विपसेना की तरह ही गुरु ब्रह्मचारी है और पिछले 7 सालों से डेरा प्रमुख के साथ है। अगर राम रहीम अपनी सहमति देते हैं तो हनीप्रीत भी सत्ता संभाल सकती है। बता दें कि हनीप्रीत इंसा राम रहीम की गोदली हुई बेटी है। हनीप्रीत डेरा के उस नियम में भी नहीं आएंगी जिसमें परिवार का सदस्य प्रमुख नहीं बन सकता। हनीप्रीत बाबा की कितनी करीबी है इसका अंदाजा आप ये फोटोज देखकर लगा सकते हैं। शुक्रवार को गुरमीत के जेल जाते वक्त भी उनके साथ थी और उनका सामान लेकर उनके साथ चल रही थी। इन सब चर्चाओं के अलावा एक चर्चा और भी है। कहा जा रहा है कि डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम आगे भी डेरा सच्चा सौदा की कमान संभाल रख सकते हैं। वो जेल से ही अपने साम्राज्य को चला सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अब तक इस मामले में कोई घोषणा नहीं की है। डेरा सच्चा सौदा की कमान कौन संभालेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। राम रहीम समेत देश दुनिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। NMF न्यूज़ की रिपोर्ट।